हम बात कर रहे हैं एडीएफ फूड लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। 260 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, गिरावट आई। 210 के सपोर्ट से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया है। तो रिजेक्शन कहाँ लिया है, 240 के लेवल पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया, जो कि इसका रेजिस्टेंस ही है। हम देख सकते हैं इससे पहले भी स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, ब्रेकआउट किया था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। अगेन लगातार गिरावट देखने के लिए मिली है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने 240 से जब रिजेक्शन लिया तो 230 के ऊपर ही सस्टेन होता नज़र आ रहा है, इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा। तो एक अच्छी बात रहेगी, एक पॉजिटिव बात रहेगी हमारे लिए कि स्टॉक 230 के ऊपर सस्टेन होता नज़र आ रहा है। 230 इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन कर जाता है तो 224 और 220 इसका मेजर सपोर्ट रहेगा। स्टॉक जब तक 200 के ऊपर है तब तक इसमें अपसाइड के चांस बने हुए हैं। अब गिरावट के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक किया और हम देख सकते हैं उतनी बड़ी सेलिंग नहीं देखने के लिए मिली, 240 के आसपास ही है ऑलमोस्ट, तो इस लेवल के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। लेकिन 240 अब हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा। इसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे जाता है तो फिर यहाँ से लगातार अपसाइड देखा था नज़र आ सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा 245 का लेवल, जो कि इसके रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, क्योंकि इसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई हुई है। अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर गया, 240 के बाद सस्टेन होता है और इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा फिर है। और इसके ब्रेकआउट के बाद फिर स्टॉक में 250 से लेकर अगेन 260 तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट लगातार तेज़ी दिखा रहा है लेकिन एडीएफ फूड में अभी तक हमको रिकवरी देखने के लिए नहीं मिली, तो यहाँ से रिकवरी के चांस बनेंगे। तो यहाँ से स्टॉक अपसाइड दिखाता नज़र आ सकता है, इंतज़ार करना है 240 के ब्रेकआउट का। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।